पूरे भारत का। एक तुम्हारा ऑपरेशन था, एक लोगों की हमारी दुआरे लिए दुआएं और उनके लिए बददुआएं, ये भी काम कर रहे हैं के साथ। तो उन्होंने एक दूसरे पे हमला किया और पुलिस वाला अभी लाइव नहीं है, उस ऑपरेशन मारा गया, पर उसने अजमल कसाब को छोड़ा नहीं। ये जिन लोगों को ऑपरेशन के बारे में पता नहीं होता, वो तो फिल्मी स्टाइल में देखते हैं कि भी दो गोलियां मार दी, टेररिस्ट को मार दी, वो भी हथियार लेके बैठा है, वो भी ट्रेन होके आया है। बाकी लोगों ने बोला, FBI ने बोला, मीडिया ने, एक रिपोर्टर ने बोला, तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये पाकिस्तानी है। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी कि भी छुपा ले अपनी आइडेंटिटी, हाथ में रेड धागा बांधा था कि अगर मर भी जाते हैं तो पाकिस्तान बचाए, तो इंडियन थे, मौली बांध रखी थी, तो हिंदू थे, ये थे, क्योंकि इनका तो कोई नाम नहीं, नाम पता नहीं था किसी को। इन्होंने कहा था इंडिया वाले तो झूठ बोल रहे हैं कि ये तो वो है, क्योंकि जब मीडिया फोटो खींचता तो मौली भी सामने आ जाने, कहते ये तो हिंदू है। ये तो आप लोगों ने खुद ही ऑपरेशन खुद लॉन्च किया, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपना केस लड़ने के लिए, अपने आपको प्रूव करने के लिए। दो साल बाद उसको सजाए मौत दी गई थी, तो पूरा जुडिशियल प्रोसेस हुआ, पूरी हियरिंग हुई, विटनेसेस हुए, हमारे विटनेसेस को उनके वकील ने क्वेश्चन किया, पर एंड में कोर्ट ने सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसे सजाए मौत दी। तो हमारा बड़ा फेयर सिस्टम। द न्यूज अडार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ मुनीश सूद, और आज हम आपकी मुलाकात इस देश के एक ऐसे लेजेंडरी फिगर से करवा रहे हैं जिनके बारे में 26/11 के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है, 26/11 का सफल ऑपरेशन जो भारत में हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया। गोविंद सिंह सिसोदिया के मंडी से रहने वाले हैं, वैसे हिमाचल से रहने वाले हैं, मंडी से भी इनका गहरा रिश्ता है, तो हम सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं और बताते हैं। पहले हम गोविंद जी से इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा मंडी से इनके कनेक्शन की करेंगे और फिर सीधे हम बात मुंबई हमले 26/11 की करेंगे। गोविंद जी, स्वागत है आपका द न्यूज रडार में। धन्यवाद, मेरे को भी अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। सर, हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जिससे पहले कि हम दर्शकों को ये बताएं कि ब्रिगेडियर सिसोदिया हैं कौन, उनका 26/11 में उनका क्या रोल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कनेक्शन अपना जो आपका मंडी से है, हिमाचल से है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। मंडी तकरीबन 12 साल रहा, ये जिंदगी का वो हिस्सा था जिस टाइम आप एक ग्रो कर रहे होते हैं, एक बच्चे से बड़े होते हैं और फिर अडल्टहुड में जाते हैं। मैं उस स्टेज पे था, शुरुआत मैंने नर्सरी से की, जो आजकल जहां इंदिरा मार्केट है घंटा, वहां घंटा घर में नर्सरी स्कूल होता था, मैंने वहां पढ़ाई की, और उसके विजय हाई स्कूल उसमें 10th तक होता था, फर्स्ट से 10th तक मैं विजय हाई स्कूल में पढ़ा, और उसके बाद एक साल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिमला में पढ़ा, मंडी में पढ़ा, उसके बाद हम शिमला चले गए थे। ये जिंदगी के 12 साल मैंने यही मंडी में काटे और मेरी सारी जो बेसिक एजुकेशन है। ठीक है, दर्शकों को मैं बता दूं कि जो 26/11 जो हमले की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसलिए हम आज ब्रिगेडियर साहब के साथ बैठे हैं और जिसके लिए हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, वो सिर्फ हम अपने दर्शकों तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं, वो दृश्य इनके जुबान से आपको सुनाना चाहते हैं 26/11 के बाद इनकी भूमिका उस ऑपरेशन में क्या रही। ही वॉज DIG ऑपरेशंस इज NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के, ही वॉज द मेन मैन, ही वॉज द DIG ऑपरेशंस एंड ही वॉज द मेन मैन हु वॉज कमांडिंग ऑल द NSG कमांडर्स उस हमले में जो हुए थे। और यही वो व्यक्ति हैं हमारे गोविंद सिंह सिसोदिया ब्रिगेडियर, जिन्होंने कसाब को उसके बाद इंटरोगेट किया था। बहुत रोचक बातें हैं इनके पास और हम चाहते हैं कि ये आप तक हम ये हमसे साझा करें, दर्शकों से साझा करें। सर, हम उस स्थिति में, हम आपको 26/11 वाली स्थिति में दोबारा इतने साल पीछे लेके जा रहे हैं, 13 साल पीछे, तो हम बताइए आप दर्शकों को कि ये सब कुछ कैसे हुआ, आप NSG कैसे NSG वहां पहुंची और उस दौरान क्या क्या हो रहा था। क्योंकि पहले जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें तक बहुत क्लैरिटी नहीं थी, फिर सबने सोचा, पुलिस सोचा कि ये गैंग वार है, पर बाद में जैसे कई जगह उन्होंने हमले किए, फायरिंग की, तो लोगों को लगा था कि बहुत में एक किस्म से घबराहट भी हो गई थी लोगों में। तब भारत सरकार ने फैसला लिया कि NSG को मुंबई भेजना है। जब हम मुंबई पहुंचे, हमें पुलिस ने बताया कि क्या हुआ, पुलिस के लिए मैं दाद देना चाहूंगा कि पुलिस वाले बड़े प्रोफेशनल है, उनको आइडिया हो जाता है, कुछ देर बाद उनका बड़ा सेट हो जाता है कि कहां क्या हो रहा है। हालांकि लोगों में घबराहट ज्यादा थी, जब उन्होंने हमें बताया ताज होटल में हो रहा है, ओबेरॉय में है, और नारीमन हाउस है। नारीमन हाउस से कहा गया ये ज्यूज है जो इसरा
लाइन से आए होते हैं लोग, वहाँ उनका अपनी प्रार्थना करते हैं, उस सेंटर में उनकी उस रिलीजियस एक्टिविटी होती है। अब टेररिस्ट ने इसको सेलेक्ट किया तो वो एक मैसेज भी देना चाह रहे थे जी उसको, शायद वो अपने दोस्तों को जो दूसरी कम्युनिटी थे कि मैसेज उन लोगों को देना चाहते थे जो टेरर को स्पॉन्सर करते हैं कि देखिए जी हमने आपके जो दुश्मन है इसराइल है उनके टीचिंग सेंटर पर हमला किया, क्योंकि इसराइल के कुछ मुल्कों से उसमें अनबन चली आ रही थी, तो शायद उनको भी बताना चाह रहे थे। शायद ये भी हो सकता है कि उनकी फंडिंग उनके जरिए हो रही होगी, तो उनको प्रूफ देने की कोशिश कर रहे थे, वरना आम आदमी इस लोकेशन पे आसानी से नहीं पहुंच सकता। ऑब्जेक्टिव लेके कि जहां से मैसेज चला जाए कि हम लोग टेररिस्ट स्ट्रांग है, कहीं भी जा सकते हैं, अभी आज यहां कर रहे हैं कल को हम कहीं करते हैं। इसलिए जब भी टेररिस्ट टारगेट सेलेक्ट करते हैं ये ऐसे नहीं करते हैं, ये देखते हैं कि इसके मीडिया की कहां पब्लिसिटी ज्यादा मिलेगी, और साथ में जो इन्होंने अपने लोगों को मोटिवेट करना होता है जो इनके अपने बाकी टेररिस्ट होते हैं उनको भी बताते हैं कि देखा ये वो लड़के बहुत बाद होते हैं उन्होंने ये कार्रवाई कर ली, तुम उससे बढ़ के करके दिखाओ, तो एक सब साइकोलॉजिकल गेम भी खेल रहे होते हैं। और फिर मीडिया को लग जाता हाँ अरे ये भी टेररिस्ट ग्रुप है, बहुत तगड़ा ग्रुप है, कहीं भी कर सकता है। आपको लग रहा था कि अब लोग आतंकवादी जो टेररिस्ट है वो तो बहुत कम है, दो या तीन या चार लोग थे मेरे ख्याल में, दस थे लेकिन इतना समय लग गया उसको, आप जानते हैं कितने दिन लग गए थे वैसे? क्योंकि एक्चुअली ऑपरेशन में 49 hours लग गए थे। हाँ, लेकिन ऑपरेशन बहुत लंबा चला गया था 10 लोगों के लिए, उस हिसाब से क्योंकि सारी दुनिया की टेंशन इंडिया पर पड़ गई थी, बेशक भारत इतना स्ट्रांग है, आप एज अ DIG उस टाइम आप हेड कर रहे थे कमांडोस, देरी क्यों लग रही थी? ये जिन लोगों को ऑपरेशन के बारे में पता नहीं होता वो तो फिल्मी स्टाइल में देखते हैं कि भी दो गोलियां मार दी टेररिस्ट को, मार दी, वो भी हथियार लेके बैठा है और भी ट्रेन होके आया है, इनिशिएटिव उसके हाथ में है, वो पहले आया है और देख रहा है। क्या क्या था उनके हाथ में वैसे? उनके हाथ में वेपन थे, उनके पास पहले की ब्रीफिंग थी, ये होटल का सेटअप है, ये है, उन्होंने शायद ही स्टडी किया होगा कि हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो और जब हमको ऑपरेशन कर रहे हैं हमको लोकेशन तो नहीं मालूम होती कि इस कमरे में आदमी तकरीबन 600-700 कमरे हैं, आपको हर एक कमरा ढूंढना है, तब आप उसको मारोगे तभी जब आपको नजर आएगा। अगर आपका पिन पॉइंट लोकेशन हो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप पिन पॉइंट जाके कर लो। जब आप होटल कमरे में जा रहे हो आपने भी देखना है कोई इनोसेंट आदमी को तो नहीं गोली मार दी। आपको क्लियर था कि होटल के वो अंदर ही है कमरे में, क्योंकि आग वाग वहीं से, वो एक दो कमरों में टॉप पे आग भी लगा रखी। वो हमें देखिए ऐसे कि थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर आनी शुरू होगी, क्योंकि शुरू में तो लोग इंटेलिजेंस फेलियर कहते हैं, बट इंटेलिजेंस फेलियर आप इसलिए नहीं कह सकते कि अगर आपको सारे टेररिस्ट की एक एक चीज पता हो, हर एक रूट पता हो तो दुनिया में टेररिज्म खत्म हो जाए। आपको जनरल आइडिया होता है कि भी ऐसी तैयारी हो रही है, पर ये नहीं पता होता है कि भी किस टारगेट पे किस दिन जाएंगे और कौन कौन जाएगा। लोग तो कह रहे थे इंटेलिजेंस फेलियर, ऐसी बात नहीं होती, इंटेलिजेंस फेलियर होती है कि भी आप और नहीं कह रहे, हाँ थोड़ा डिले हुआ पर इंटेलिजेंस लोगों ने फिर पिक्चर क्लियर हो गई। कसाब फिर कब पकड़ा गया और किसने उसको पकड़ा? ये अजमल कसाब का बाय चांस एनकाउंटर हो गया था रोड साइड पे पुलिस वाले के साथ, तो उन्होंने एक दूसरे पे हमला किया और पुलिस वाला अभी लाइव नहीं है, उस ऑपरेशन मारा गया, पर उसने अजमल कसाब को छोड़ा नहीं और अजमल कसाब को भी गोली लगी, तब पुलिस ने उसको एकदम पकड़ लिया। और उस टाइम फिर बाकी ऑपरेशन चल रहे थे, बाकी नौ टेररिस्ट मारे गए, एक जो इनका लीडर था वो मारा गया जो अजमल कसाब के साथ था, दो इसमें मारे गए ओबरॉय में, दो नारीमन हाउस जो जू सेक्टर है, और चार जो है वो मारे गए ताज में। हमारे दर्शकों को आप इंटरोगेशन, क्योंकि यू वर द मेन पर्सन जिन्हें उसको कसाब को इंटरोगेट किया। ये कसाब जो है, मैं कुछ मेरे कुछ सवाल मेरे जहन में थे जो मैं पता करने की कोशिश कर रहा था, तो जब उसे लाया तो मैं स्पेसिफिक पर्पज से कसाब से सवाल किए मैंने कि कहाँ उसने ट्रेनिंग की, बताया कहाँ ट्रेनिंग की, कैसे उसे पिकअप किया गया, कैसे उन लोगों को मोटिवेट किया गया, कैसे उनको लॉन्च किया गया, कौन कौन लोग थे, पहले उन्हें पता नहीं था क्योंकि उन्होंने बड़ी सीक्रेसी मेंटेन की थी, फिर उसे उन्हें भेजा गया, तब बाद में उन्हें पता लगा कि उनका कौन कौन है इनके ग्रुप में। जब ये जहाँ पहुंचे वहां से अपने अपनी डायरेक्शन में सारे चले गए कि कहां जाना है, तो ये अजमल कसाब ने ही हमें कंफर्म किया, वरना हमें पता नहीं लगता कि भी कहां से लॉन्च हुए थे, कहां से आए थे, क्या क्या हुआ था,
तो ये अजमल कसाब की इंटरोगेशन बहुत क्रूशियल इंडिया के लिए साबित हुई। इसी की वजह से हम पाकिस्तान को नेल कर पाए और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान नेल हो गया। चलिए सर, द न्यूज रडार में बात करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.